ओम शांति। आज 19 नवंबर 2024 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य, आज की मुरली के सार में सर्वशक्तिमान बाबा कहे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। तुम मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बाबा के सन्मुख बैठते हो तो किसकी याद में बैठते हो? क्या तुम बाप टीचर सतगुरु की याद में बैठे हो? हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह याद वंडरफुल है। फिर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बच्चों को सच सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो, भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? बाबा कहे, तीनों को याद करने से बहुत मदद मिलेंगी। और कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था ना कि तीनों को याद करने से तीनों वर्षा मिलेगा। बाप से सतयुग की बादशाही का, टीचर से ऊंच पढ़ाई का और सतगुरु से सदगति का वर्षा मिलेगा। बाबा कहे, तीनों ही सर्विस अभी इकट्ठी होती है, उनको ही सुप्रीम कहा जाता है। फिर सेवा के लिए कहा कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं तो वहाँ जाकर बच्चों को बाप के ऑक्यूपेशन को सिद्ध कर बताना है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के भी ऑक्यूपेशन को समझाना है और समझाना है परमपिता परमात्मा आकर विश्व में शांति कैसे स्थापन करते हैं, आकर समझो। फिर बाबा ने बहुत ऊंच टाइटल देते हुए स्मृति दिलाई कि तुम बहुत बहादुर महावीर महावीरनियां हो, तुम बच्चों को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। फिर पढ़ाई और श्रीमत पर विशेष अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, अर्थात देखते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है। बाबा कहे, अगर मुरली मिस हो जाती है तो उसको फिर से रिपीट करना है, बैठकर पढ़ना है। और साथ में अटेंशन दिलाया कि कोई कोई बच्चे मुरली को भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु बाबा कहते हैं, शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी तो सुनना है ना, कि सिर्फ उनको ही याद करना है? बाबा कहते हैं, मैं श्रीमत देता हूँ ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहे, ऐसे मगरूर नहीं बनना है। बाबा कहे, ऐसे बच्चों के लिए कहावत भी है, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। फिर ऊंची स्थिति बनाने के लिए कहा कि तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए, उसके लिए गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, यह संगम की बात है। बाबा कहे, बच्चों को स्थायी नशा रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। बाबा कहे, अभी तो नशा जट सोडा वाटर हो जाता है, सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम बहुत मीठे मीठे बच्चों को बहुत मीठा बनना है। और लास्ट में कहा कि यह अनकॉमन पढ़ाई है, बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा तखत है जिस पर अकाल मूरत आत्मा आकर बैठती है, उनको यह सारा पार्ट मिला हुआ है, अभी तुम समझते हो, यह तो सब रियल बात है। तो बाबा कहे, यह बात अच्छी रीति तुम धारण कर गांठ बांध लो, अर्थात पक्का कर लो। बाबा कहे, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सुनते हैं आज के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। आज मुरली से प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है, अर्थात अहंकारी बनाती है, तो किस बात को डोंट केयर करते हैं? उत्तर में बाबा कहे, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं, पहला, विनाशी नशे को छोड़
अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट अ पेनी कौड़ी तुल्य से वर्थ पाउंड हीरे जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, अर्थात साधारण पढ़ाई नहीं है, सर्वोच्च पढ़ाई है। दूसरा पॉइंट, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पवित्रता पूज्य बनाती है, पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज बाबा ने पूज्य आत्मा बनने की विधि बताई कि सदा स्मृति रहे कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस स्मृति से मनसा वाचा कर्मणा सब में शुद्धता आएंगी और स्वमान रहे मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 19 नवंबर का अव्यक्त इशारा है, बाबा कहे सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग किसी भी कार्य में सफलता दिला देता है। यही शुभ भावना शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक हो तो अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार उत्पन्न हो जाता है। आज बाबा ने सफलता के लिए अनेकता में एकता का अनुभव करने के लिए कहा कि सबके प्रति मन में शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देने की भावना हो। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।